Hello everyone, this video is about the NTA guideline for NEET 2023. NTA ने NEET 2023 के लिए जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के बारे में ही आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ. इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पस है कि लास्ट टाइम पर कैंडिडेट्स जो हैं जो नीट में अपीयर होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स को किसी तरीके का स्ट्रेस या टेंशन ना लेना पड़े, इसी पर्पस से यह वीडियो बना रही हूँ. वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यदि यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स में, अदर स्टूडेंट्स में शेयर करिएगा. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट्स जो कि नीट 2023 में अपीयर होने वाले हैं सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट. अपना बेस्ट दीजिए, 7 मई को रिलैक्स होकर जाइए. NTA गाइडलाइन फॉर नीट 2023 इज़ रिलेटेड विद द आइटम्स एंड क्लोदिंग, वॉट items and which type of clothing is allowed and which type of items and clothing is not allowed in NEET exam 2023. तो start करते हैं male candidates की guidelines के साथ में. NEET 2023 के लिए male candidates के लिए NTA ने जो dressing guideline जारी की है उसमें क्या points हैं. फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है मेल कैंडिडेट्स को कि आपने हाफ स्लीव्स शर्ट या टी शर्ट पहनकर जाना है. फुल स्लीव्स शर्ट्स या टी शर्ट आर नॉट अलाउड इन नीट एग्जाम. तो ध्यान रखिए आपका जो शर्ट या टी शर्ट हो वो हाफ स्लीव्स होना चाहिए. लाइट क्लोथ्स से यहाँ मतलब है कि आपके शर्ट या टी शर्ट में जिप पॉकेट्स या बिग बटन्स या एलैबोरेटेड एम्ब्रॉयडरी या बड़े बड़े प्रिंट्स आपके शर्ट या टी शर्ट पर नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सिंपल ट्राउजर या पैंट पहनकर आपने जाना है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि शूज़ का बात करूँ, शूज़ जो हैं वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. आप शूज़ पहनकर नहीं जाएंगे, उसकी जगह आप सैंडल्स हैं या स्लीपर्स हैं वो आप पहनकर जा सकते हैं. सैंडल्स या जो स्लीपर्स आप पहनेंगे वो भी प्रेफर करिए कि थिन सोल्स हों तो बेस्ट रहेगा. तो ये कुछ चीज़ें जो यूँ कहूँ कि क्लोदिंग से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गाइडलाइन है नी NTA की नीट के लिए वो ये हैं. तो ध्यान रखिए आप लोग इन चीज़ों का. अब हम बात कर लेते हैं गाइडलाइंस फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्या गाइडलाइन दी है NTA ने फॉर नीट एग्ज़ाम 2023. तो फीमेल कैंडिडेट्स सेम जो है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन सेम है कि हाफ स्लीव्स के क्लोथ्स होने चाहिए, फुल स्लीव्स आर नॉट अलाउड. नेक्स्ट जो है कि एम्ब्रॉयडरी या फ्लावर्स या बटन्स इस टाइप का जो क्लोथिंग्स है वो अलाउड नहीं होगी नीट एग्ज़ाम के लिए. तो ट्राई करिए कि आप सिंपल प्लेन जो क्लोथ्स हैं हाफ स्लीव्स के वो पहन कर जाएं. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जीन्स है, लेगिंग्स हैं या जो पलाजो है, दीज आर नॉट अलाउड इन नीट एग्ज़ाम. इसके अलावा शूज़ का बात करूँ तो हाई हील्स या थिक सोल वाले जो शूज़ हैं वो अलाउड नहीं है नीट में, तो ये पहनकर मत जाइए. आप लो हील सैंडल्स या चप्पल्स पहनकर जा सकते हैं, तो प्रेफर करिए कि आप लो हील या स्लीपर्स यदि आप पहन सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है. इसके अलावा किसी भी टाइप की ज्वेलरी आपने पहनकर नहीं जाना है. तो इवन जो सेफ्टी पिंस हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइप का NTA का ये कहना है कि किसी भी टाइप का मेटल आपके पास में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट होता है और अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स हैं या टेंशन हैं वो क्रिएट हो सकते हैं. तो किसी भी तरीके की ज्वेलरी, वो नोज पिन हो या ईयर रिंग्स हैं या आपकी फिंगर रिंग्स हैं या एंकलेट्स हैं, आपने ऐसा कुछ भी अपने साथ कैरी करके नहीं ले जाना है. इवन सेफ्टी पिंस भी आपको अवॉइड करनी है. हाँ, यहाँ पर NTA ने एक छूट दी है कस्टमरी ड्रेसेस के लिए. जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ये ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है कस्टमरी ड्रेसेस का, तो वो लोग कस्टमरी ड्रेसेस कैरी कर सकते हैं. कस्टमरी ड्रेसेस में आता है जैसे कि कंघा है, कड़ा है, कृपान है एंड बुरखा है. यदि आपने उस टाइम पर यह ऑप्ट किया हुआ है कस्टमरी ड्रेसेस का ऑप्शन, तो आप ये पहनकर जा सकते हैं. लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को जो भी टाइम है लास्ट टाइम एंटर होने का, उससे एटलीस्ट 2 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुंचना है ताकि जो भी प्रोसेस है वो स्मूथली रन हो सके और अननेसेसरी कोई भी टेंशन या स्ट्रेस आप लोगों को ना हो. तो कस्टमरी ड्रेसेस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पर एटलीस्ट जो भी टाइम लिमिट है उससे 2 घंटा पहले रिपोर्ट करें. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट गाइडलाइन रिगार्डिंग टू देयर क्लोदिंग. नाउ अबाउट द आइटम्स, आप कॉमन मैं बात कर रही हूँ मेल और फीमेल के लिए कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आप नीट एग्ज़ाम में अपने साथ कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो नहीं वाले आइटम मैं आपको बता रही हूँ. पहला जो कैटेगरी है स्टेशनरी आइटम्स का है कि आपने पेपर,
पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउचेस, स्केल, इरेजर, इस टाइप की कोई भी चीज़ कैरी नहीं करना है अपने साथ में। ये चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, ये नहीं अलाउ होगी एग्ज़ाम सेंटर में। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बात करूँ तो आपके जो हेल्थ बैंड्स हैं, ईयरफोन्स हैं, अफकोर्स मोबाइल्स आप वैसे भी नहीं ले जाएंगे, तो हेल्थ बैंड्स हैं, किसी भी तरीके की वॉचेस हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, ये आपको अलाउ नहीं की जाएंगी एग्ज़ाम हॉल में ले जाने के लिए। तो इट्स बेटर आप ये कैरी ही ना करें। इसके अलावा जो अदर आइटम्स का मैं बात करूँ कि वॉलेट्स हैं या गॉगल्स हैं, हैंड बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं, कैप्स हैं, ये भी अलाउ नहीं की जाएंगी एग्ज़ाम सेंटर में ले जाने के लिए। इसके अलावा फूड आइटम्स, चाहे वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, ये फूड आइटम्स भी आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे नीट एग्ज़ाम में कैरी करने के लिए। तो दीज आर द सम इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन फ्रॉम द NTA फॉर 2023 नीट एग्ज़ाम। हाँ, स्पेक्टिकल्स जो हैं, यदि आप रेगुलर स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स अलाउड रहेंगे आपको, आप बिल्कुल स्पेक्स लगाकर एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइटम्स एंड क्लोदिंग गाइडलाइन फ्रॉम द NTA। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा चेक करिएगा और उसमें मैं आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करूँगी कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है।